खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पुलिस मुठभेड़ में मारा गया PLFI कमांडर विजय डांग। दिल्ली पर मंडरा रहा है आतंकी हमले का खतरा। पुलिस बदमाशों के बीच चली ताबड़तोड़ गोलियां। अब खबरें विस्तार से। सिमडेगा जिले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के उग्रवादी विजय डागा को मुठभेड़ में मार गिराया गया। SP संजीव कुमार ने गुप्त सूचना पर टीम बनाकर कार्रवाई की। घटनास्थल पर हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस द्वारा क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया गया था। देश की राजधानी दिल्ली में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के होने की सूचना के बाद जहां एक और सुरक्षा एजेंसियां सप्ते में है, वही दिल्ली पुलिस भी सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसके लिए चप्पे चप्पे पर तैनात है। जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है। नई दिल्ली NCR स्थित गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश लूट की फिराक में साहिबाबाद में थे, तभी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दो बदमाशों को गोली लगी और एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।